हाय गाइस, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं IOWave 2018 की। इसका फुल नेम है इंडियन ओशन वेव 2018। सो जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 सितंबर 2018 को, आज ही ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी जा रही है। ये एक 2 दिन की एक्सरसाइज होने वाली है। एंड इस एक्सरसाइज में क्या होने वाला है कि जो इंडियन ओशन में वेव्स आती हैं, उन वेव से अगर हमें डैमेज होने वाला हो तो हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस बारे में एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कराई जाएगी। बेसिकली अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, सुनामी की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। सुनामी आई थी 2004 में, सुनामी वाटर वेव आप मान लीजिए सरल शब्दों में, जो बहुत ही बड़ी वेव्स थी या वाटर पानी की लहरें थी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। एंड देयर वाज अ करोड़ ऑफ डैमेज टुवर्ड्स द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सो 2004 में जब ये आई थी तो हम इसको इफेक्टिवली इसको मिटिगेट नहीं कर पाए, बट हमें क्या पता ये ऐसी सुनामी वेव दोबारा कभी फ्यूचर में आ जाए। हम ऐसी वेव अगर दोबारा कभी आ जाए हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसा रहेगा, उस चीज को एक्सरसाइज करने के लिए एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, जिसका नाम रखा गया है इंडियन ओशन वेव 2018, जिसे आप आईओ वेव के नाम से भी कह सकते हैं। यानी कि वो वेव्स जो इंडियन ओशन में आती हैं उनसे कैसे हम बचेंगे, कैसे हम अपनी मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करेंगे। इस बारे में हम काफी डिटेल में चर्चा करेंगे एंड काफी खुल के डिस्कस करेंगे कि ये क्या कंसेप्ट है। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, स्ट्रेट अवे वीडियो को पॉज करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने देख ही लिया है, फुल ऑफ नॉलेज कंटेंट है एंड एब्सोल्युटली अपडेटेड। एंड फर्स्ट वीडियो जो आती है इंटरनेट पे वो नॉलेज मीडिया की तरफ से आती है। 4 सितंबर 2018 को आज ही के दिन ये मॉक ड्रिल स्टार्ट करी गई है एंड आज ही के दिन हमारी वीडियो आपके सामने तैयार है। तो अभी सब्सक्राइब करें एंड आगे की वीडियो एंजॉय करें। लेट्स गो अहेड। सबसे पहले हमें समझ लें कि ये एक मेजर इंडियन ओशन वाइड सुनामी मॉक एक्सरसाइज है, जो पूरे इंडियन ओशन वाइड एक्सरसाइज कराई जाएगी। ये ऑर्गेनाइज करी जाएगी ऑन सितंबर 4th एंड सितंबर 5th 2018 को। 2 डे एक्सरसाइज देखिए होने वाली है। फिर इसमें क्या काम रहेगा, इसमें रहेगा जैसे मान लीजिए कि अगर सुनामी ने अटैक कर दिया, अगर कोई सुनामी वेव आ गई, तो उसमें हमारी मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कैसी रहेगी या उसमें हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होगा, ये वो चीज है। ये मैंने आपको एक लाइन में समझा दी, यही ब्यूटी है नॉलेज मीडिया की। हम आपको एक लाइन में पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा देते हैं, जो हो सकता है आपको पूरे पैराग्राफ्स पढ़ के भी ना समझ आए। तो अगर सुनामी से बचने के लिए एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, तो इसमें 1,25,000 से ज्यादा पीपल उनको हम इवैक्यूएट करेंगे फ्रॉम द कोस्टल कम्युनिटीज। आप ध्यान दीजिएगा, ये वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स वाली ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स को कवर कराया जाएगा एंड इसमें इवैक्यूएशन प्रोसीजर कंडक्ट किया जाएगा। पर जो आईओ वेव 2018 है, ऐसा नहीं है कि ये खाली खाली इंडिया में ही ये वेव प्रैक्टिस करी जा रही है। जी देखिए, जो इंडियन ओशन है दैट इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ओशन। सो जब थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, सो खाली इंडिया को ही टच नहीं करता और बहुत सी कंट्रीज को आसपास ये टच करता है। सो अगर सुनामी वेव आती है या कोई भी बड़ी पानी की वेव आती है, ऐसा नहीं है द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया विल ओनली बी इफेक्टेड। एवरी कंट्री विच इज नियर टू इंडियन ओशन शैल बी अफेक्टेड। सो अगर वेव्स आ जाए या पानी की वेव्स आ जाए तो हम उसमें कैसे बचेंगे, ये वाली मॉक ड्रिल अगर इंडिया में करने की जरूरी है, सो ये वाली एक्सरसाइज बाकी कंट्रीज के लिए भी करनी बहुत बहुत आवश्यक है। जो बाकी कंट्रीज हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी वो है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, पाकिस्तान। चाइना नहीं है, बिकॉज चाइना इंडियन ओशन से टच नहीं करता।
बाकी आप इसको पॉज करके और देख सकते हैं अगर आपको इसमें रुचि हो तो। हम बात करें अब इंडियन ओशन वेव 18 की या आईओ वेव 2018। सर ये एक्सरसाइज क्यों कराई जा रही है? इसका पर्पस ये है कि हम सुनामी प्रिपेयर्डनेस और बढ़ा सके लोगों के बीच में एंड रिस्पॉन्स केपेबिलिटीज और भी ज्यादा कर सकें, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो थ्रू आउट द रीजन। देखिए मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक में समझा दूं कि 2004 में एक सुनामी ने हिट किया था एट मेजरली इन द रीजन ऑफ इंडोनेशिया, बट उसका इंपैक्ट इतना था कि थ्रू आउट द इंडियन ओशन वेव्स ने अफेक्ट किया था इंक्लूडिंग इंडिया, एंड वो इतनी स्ट्रांग थी कि जो उसके ट्रेमर्स थे यानी जो उसका इफेक्ट था साउथ अफ्रीका तक गया था। अभी मैप में देखेंगे कि ये चीज कितनी विशाल हो सकती है कि कहां इंडोनेशिया कहां साउथ अफ्रीका, सो कितना बड़ा इंपैक्ट एक सुनामी जैसी वेव का आ सकता है। सो अगर दोबारा कभी सुनामी वेव आ जाए सो हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड होके रहना होगा। सो जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं उसका फर्स्ट रूल यही होता है कि हमें मॉक ड्रिल करके पहले से प्रिपेयर्ड होके रहना है। डिजास्टर आए तो हम प्लान नहीं करेंगे, डिजास्टर आने से पहले ही हम प्लान कर रखेंगे कि ऐसा हो तो हम कैसा करेंगे। सो इस केस में एक सुनामी वाली सिचुएशन को मॉक तरीके से क्रिएट किया जाएगा कि सुनामी आने वाली है एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर कंडक्ट किया जाएगा कि लोगों को प्रैक्टिस कराई जाएगी कि अगर सुनामी आने वाली है सो हमें एक घंटा पहले हमें वो हमारे इस रिडार सिग्नल से हमें पता चल गया कि एक घंटे बाद सुनामी वेव्स हमारी इस शहर को हिट करने वाली हैं। तो हम पहले ही वार्निंग इशू कर देते हैं एंड लोगों को हम आज ही बता देंगे कि आपको इस वाले मीटिंग पॉइंट पे चले जाना है, आपको उस बोट पे चले जाना है, आपको इस एयरपोर्ट पे नहीं आपको उस एयरपोर्ट पे जाना है, ताकि सब तैयार रहेंगे। सो 4 सितंबर और 5 सितंबर के दिन ये सारी कंट्रीज मिलके इसको ऑर्गेनाइज कराए रही हैं ताकि सबके लोग प्रिपेयर हो सके एंड बेटर रिस्पॉन्स मैनेज हो सके। सो ये जो 4 और 5 सितंबर की एक्सरसाइज है इसको दो सिनेरियोज में कंडक्ट कराया जा रहा है। सबसे पहला होगा नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन ऑफ द कोस्ट ऑफ ईरान, अभी देखते हैं, एंड दूसरा को हो जो उसका सिनेरियो होगा वो होगा ईस्टर्न इंडियन ओशन ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में। ईरान वाले में जो मॉक वेव्स क्रिएट करी जाएंगी वो विद द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 9.0, ह्यूज ह्यूज ह्यूज, इंडोनेशिया में 9.3। ये वही अर्थक्वेक्स हैं जो एक्चुअल सुनामी में हिट हुए थे। सुनामी 2004 के भी अभी हम कुछ मिनटों में ज्यादा डिस्कस करेंगे। इसमें सिमुलेटेड सुनामी वेव्स को जेनरेट किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक्चुअल में सुनामी वेव्स आ गई हैं, खूब बड़ी बड़ी तरह की 10-10 मिनट की अर्थक्वेक चल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हल्की मुल्की वेव्स को हम थोड़ा सा बढ़ा के उनका लेवल इंक्रीज करके आगे की तरफ भेजेंगे ताकि वाटर करेंट्स का फ्लो बढ़े, वाटर लेवल राइज हो। ऑब्वियसली मैनमेड तरीके से सुनामी नहीं क्रिएट कर दी जाएगी बट एक इम्पैक्ट दिया जाएगा एंड लोगों के माइंड को ऐसा सेट किया जाएगा जैसे सुनामी आ रही है। आपकी नॉलेज के लिए जो ये वाली एक्सरसाइज है ये पहली बार ऑर्गेनाइज नहीं कराई जा रही। जी हाँ, इंडियन ओशन वेव की एक्सरसाइज जिसमें हम इंडियन ओशन में स्टेट्स को तैयार करते हैं और हमारे सिटीजन्स को तैयार करते हैं कि सुनामी वेव आ रही है या कोई भी बड़े वेव या टोर्नेडो आ रहा है सो आप कैसे डिजास्टर मैनेज करेंगे। सो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये वाली वेव 2009 में भी हो चुकी है पहले, 2011 में, 2014 में एंड 2016 में भी ये हो चुकी है। आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक के से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये चीजें जरूर बेसिक्स में इनके पता होनी चाहिए। जो हम सिनारियो 1 और 2 की बात कर रहे थे तो सिनारियो 1 जो हमने देखा था ईरान के वेस्ट कोस्ट से शुरू होगा उसका नाम रखा गया है मैक्रन ट्रेंच, एंड सिनारियो 2 जो हम देख रहे थे सुमात्रा के आसपास इंडोनेशिया में उसका नाम रखा गया है सुंदा ट्रेंच। ये रही कुछ डिटेल्स कि हम इतना आप देखिए कि साइंस ने कितना प्रोग्रेस कर लिया। हमने पहले ही बांट दिया कि वेस्ट कोस्ट में पहले सुनामी आएगी 4 सितंबर के दिन, पानी की वेव्स तैर के आगे 5 सितंबर तक इंडोनेशिया की तरफ पहुंचेंगी,
यहां तक हमने देख लिया कि इनकी डेप्थ कितनी होगी, इनका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लोकेशन। आप देखिए कितना हम बेटर प्रोग्रेस कर पाते हैं, कितना हमने आगे अभी तक प्रोग्रेस कर लिया है, ताकि जब एक्चुअल डिजास्टर आए तो हम सब मिलके उसका सामना कर पाए। देखिए ये मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर कोई सुनामी वेव एक्चुअल में आती है, सो इस तरह का एक ब्रोशर कहें या एक मैनुअल कहें, जो हमारी लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको इशू कर दिया जाएगा। अब जैसे ये एक्सरसाइज आईओवेव 18 का ब्रोशर है, सो इसमें क्लियरली पहले ही शब्दों में लिख दिया है, नॉट अ रियल सुनामी इवेंट, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मतलब इट्स ओनली एन एक्सरसाइज। अर्थक्वेक बुलेटिन, जिसमें क्लियरली जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, उनको ये इशू कर दिया गया। जैसे देखिए मैं अभी आपको क्लियरली समझाऊंगा कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, मान लीजिए इंटरनेशनल बॉडीज ने मिलके एक इंटरनेशनल सुनामी वॉचिंग सेंटर बना रखा है। सपोज कीजिए ये बिल्कुल वही है जो मैं ये एक्चुअल में आपको समझाऊंगा, बस नाम मैं आपको सरल बता रहा हूँ। इंटरनेशनल कंट्रीज ने इंटरनेशनल लेवल पे आके एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी सेंटर बनाया, उस सेंटर में सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं टू प्रिडिक्ट द सुनामीज एंड अदर वाटर इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स। सो इस सेंटर ने पहले से ही एक वार्निंग इशू कर देगा, मान लीजिए इंडियन अथॉरिटीज को ये इशू कर दिया ऐसे पर्चे में कि सुनामी आने वाली है। सो सुनामी से पहले अर्थ को एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। देखिए सुनामी क्या होती है, जो ओशन में कहीं ऐसे से इंडियन ओशन की बात चल रही है, इंडियन ओशन में पानी का लेवल एकदम से भर जाता है एंड इतना ऊपर राइज हो जाता है, इतनी स्पीड से आता है कि कोस्टल स्टेट्स की टेरिटरी को ही पार कर जाता है वो अपने साथ। सुनामी या वाटरवेज इसलिए आती है बिकॉज ऑफ हाई लेवल अर्थक्वेक्स, जिसमें अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स शेक होती हैं, उसकी वजह से वाटर का लेवल अफेक्ट होता है। सो जितना बड़ा अर्थक्वेक होगा उतनी ही बड़ी वाटर वेव्स आएंगी। सो ऐसे पर्चे में पहले ही बता दिया जाएगा कि 8.5 रिक्टर स्केल पे इतने का ये अर्थक्वेक आ रहा है, इस डेट को इतने घंटों में हमारी सिटी को ये अफेक्ट करने वाला है। तो अभी तक हम ये समझ गए कि जो आईओ वेव 2018 है, इसमें सुनामी या कोई और वाटरबॉर्न एक्टिविटी या कोई डिजास्टर से बचने के लिए एक मॉक एक्सरसाइज कराई जा रही है। जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट ले रही हैं, वो अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करेंगी या फिर उनको सिखाएंगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक कैसी हो सकती है ताकि नुकसान कम हो सके। अब सबसे बड़ी बात कि अगर ये आईओ वेव एक्सरसाइज इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, सो इसे ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? किसी लोकल अथॉरिटी के लिए इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज कराना थोड़ा मुश्किल है। सो देखिए जो यूनेस्को का विंग है, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, सुनामी 2004 के बाद इसने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी थी, इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर द इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम, जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आप कोई भी न्यूज आर्टिकल पढ़ें ये चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगी अंटिल अनलेस आपने कई घंटे वेस्ट करें। इससे अच्छा ये कुछ मिनटों की वीडियो देख ले और आपको सारे वे आपके आर्ट्स सेव हो सकेंगे। तो आप ये देखिए कि यूनेस्को का जो ये विंग है, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इसने सेटअप किया था इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप को। अब ये जो इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप है, इसकी जो मीटिंग हुई थी अप्रैल 2017 में, तभी डिसाइड हो गया था कि हम आईओ वेव 2018 को कंडक्ट करेंगे एंड एक टास्क टीम तभी बना दी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि कंट्री दो दिन पहले मिलती हैं और कहती हैं कि चलो सुनामी को क्रिएट करते हैं, चलो एक्सरसाइज करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं। अप्रैल 2017 कहिए 1.5 साल 1.5 ईयर्स तक प्रॉपर प्लानिंग हुई, तब जाके इसको इन फॉर्म इन प्रैक्टिस में प्रैक्टिकली ट्राई किया जा रहा है। सो हमने ये देखा कि यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इसने फॉर्म करी इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम, जिसका नाम कहें आईसीजी IOTWMS, इसने ये ऑर्गेनाइज करी एंड ये कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब सारी कंट्रीज के लिए।
सो अगर इंडिया में कोई सुनामी हिट कर रही है, सो इसके जो सिस्टम्स हैं ये इंडियन अथॉरिटीज को बोलेंगे कि आपके में फ्लड्स आ रही हैं, आप अपना क्विक एक्शन लें। सो इंडिया में भी तो कोई लोकल अथॉरिटी होनी चाहिए ना जो उसको परसीव करेगी, जिसके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होगी। सो वो अथॉरिटी है जो इसको करेगी, जिसका नाम है इनकॉइस। सर थोड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, बताइए, अभी देखते हैं। बस मैं आपके माइंड में ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, बिकॉज आपको न्यूज आर्टिकल से ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं। सो हमने देखा कि IOC, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इसने एक कमिटी सेटअप करी थी जो हमने देखा था ICJET वाली। सो इसने अप्रैल 2017 में प्लान किया था, एंड इसने कहा कि जितनी भी कंट्रीज है, मान लीजिए 26 कंट्रीज हैं जिसमें पार्ट ले रही हैं, उन सब की कंट्रीज को बोल दिया कि आप फटाफट एक्शन लें। तो इन सब की जो नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर्स होंगे, जो लोकल अथॉरिटीज होगी, लोकल बॉडीज, लोकल मतलब जो उनकी नेशन वाइड होंगी, जो विद इन द नेशन देखेंगी, उनको जिम्मेदार दिया गया। जो इंडिया में एक संस्था है जिसका नाम है इनकॉइस। सर ये कौन सी संस्था है? सो इनकॉइस का नाम है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। फिर से देखें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो प्रोवाइड करता है ओशन इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू द सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड इट्स ओशन ऑब्जर्वेशन। मतलब जो हमने देखा था IOC, यूनेस्को वाली, वो तो हो गई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो सबको देख रही है। बट खाली इंडियन पर्सपेक्टिव से जो इंडिया की बॉडी है, इंडिया की जो बॉडी है वो है इनकॉइस। सो इनकॉइस अटैच्ड है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के साथ में, एंड इसकी लोकेशन है हैदराबाद बेस्ड। जो इसके चेयरमैन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के सेक्रेटरी एम राजीवन जी, एंड करंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का जो पोर्टफोलियो है वो हर्षवर्धन जी के पास है, एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है YS चौधरी जी। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के बारे में एक जरूरी बात और जान लीजिए कि इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, बट जो मोस्ट फेमस डिपार्टमेंट जो इसके अंडर आता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो भी इसी के पास आता है। हर्षवर्धन जी के पास और भी दो मिनिस्ट्रीज हैं, अभी ही टोटल तीन मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं एज ऑन डेट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक मिनिस्ट्री है जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें एक फेमस DNA प्रोफाइलिंग बिल के बारे में बात करी गई थी, जिसमें जैसे था कि आधार में सिटीजन का फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिना लिया जाता है, अगर ये DNA बिल पास हो जाता है तो सिटीजन का DNA रिकॉर्ड किया जाएगा इन DNA डेटा बैंक्स। इसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, आप एक DNA बिल के ऊपर अलग से वीडियो बनी हुई है नॉलेज मीडिया पे, उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। जो दूसरी इनके पास जो वो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। वो हमने कवर करी थी जब हमने कवर किया था नेशनल टाइगर डे को, या कहें ग्लोबल टाइगर डे को, तब हमने इस मिनिस्ट्री पे चर्चा करी थी। आप नेशनल टाइगर डे की या ग्लोबल टाइगर डे की वीडियो नॉलेज मीडिया पे जरूर जरूर देखिएगा। फिर हम बात करें 2004 सुनामी की, कि देखिए ये जो भी चल रहा है आज की डेट में, ये सब 2004 सुनामी से रिलेटेड है। सो इसीलिए हमें कुछ पता होना चाहिए कि वो क्या था। सो 26 दिसंबर 2004, याद रख लीजिएगा, ये स्ट्रेट डेट आपसे किसी MCQ में पूछी जा सकती है। याद रख लीजिएगा, क्रिसमस का नेक्स्ट डे 26 दिसंबर 2004, एक अर्थक्वेक आता है जिसका था मैग्नीट्यूड 9.1 रिक्टर स्केल, जो वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया को हिट करता है। एंड उससे जब अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स इतनी तेजी से हिलती हैं, सो वाटर करंट्स, जो वाटर ओशन वाटर था, वो लेवल बढ़ने लग जाता है, एंड वो इतना बढ़ जाता है कि वो इतनी स्पीड से आइलैंड के लैंड वाले पार्ट पे आ जाता है, एंड इतनी स्पीड से आता है, इतना सारा पानी आता है कि जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी कोई ह्यूमन लाइफ है, सबको डैमेज कर देता है। सो जो 2004 सुनामी थी, दैट वॉज सो सो ह्यूज दैट इट क्लेम्ड मोर देन 2 लाख लाइव इन एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
30 meters तक इनकी हाइट थी एंड नेचुरल कोस्ट लाइन तक इन्होंने ब्रीच कर दी थी। सबसे वर्स्ट इफेक्ट हुई थी इंडोनेशिया, बिकॉज ये सुमात्रा में ही ये अर्थक्वेक आया था, फॉलोड बाय श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड। एंड ये जो अर्थक्वेक था ये थर्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक था एवर रिकॉर्डेड। फर्स्ट लार्जेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड कौन सा था, ट्राई कीजिएगा कमेंट्स में बताने का। अर्थक्वेक की ड्यूरेशन ड्यूरेशन जैसे अगर हम देखते हैं अपने इंडिया में, तो हमें लगता है कि कुछ चंद सेकंड का भी आ जाए तो भी हमें डर लगने लगता है कि हमें बिल्डिंग से बाहर चले जाना चाहिए, बिल्डिंग ना कोलैप्स हो जाए। ये अर्थक्वेक देखा गया था 8.3 से 10 मिनट्स का। आप सोचिए कितना बड़ा अर्थक्वेक हो सकता है अगर वो मिनट्स में चल रहा है तो। और इतना इतना डैमेज हुआ था कि वर्ल्ड वाइड डोनेशंस $14 बिलियन के थे। तो सोचिए कि डैमेज कितना बड़ा होगा। ये रहा वो मैप जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। सो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हैं, दिस इज द रीजन ऑफ इंडियन ओशन। ये रहा वो रीजन जहां पे सुनामी ने हिट किया था, एंड इतना बड़े लेवल पे हिट किया था कि जबरदस्त तरीके से ह्यूमन प्रॉपर्टी एंड लाइफ को नुकसान हुआ। आप ये देखिए कि उसका इफेक्ट यहां से चला और कहां तक पहुंचा। ये देखिए रेड वाला सीन दिखा रहा है कि कौन सी जगह पे सबसे ज्यादा डैमेज हुआ। सो अगर मैं बात करूं इंडोनेशिया के आसपास के रीजन की, ह्यूज लॉस्ट, मैक्सिमम लॉस। फिर मैं बात करूं श्रीलंका के रीजन की, मैक्सिमम लॉस। इंडियन रीजन की, ह्यूज लॉस। इंडियन ओशन डिस्पाइट ऑफ बीइंग सो ह्यूज, जो ये वेव्स थी आप देखिए साउथ अफ्रीका तक इनका इफेक्ट गया है। सो आप खुद देखिए कि अगर साउथ अफ्रीका तक इफेक्ट गया है तो कितनी बड़ी ये वेव्स हो सकती है। एंड सोचिए कि अगर ये वेव्स दोबारा आ गई तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। सो उसकी प्रिपरेशन के लिए ही एक स्टेप है जिसका नाम है इंडियन ओशन वेव, IOWave 2018। यूनेस्को की जो ऑर्गेनाइजेशन है IOC, उसने एस्टैब्लिश किया था ICG की बॉडी को, जिसने ये टेकअप किया है। नेशनल बॉडीज जो इंडिया में इसके साथ एसोसिएटेड हैं, ये जो काम करती हैं इंडिया में, वो है इनकॉइस, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के साथ रिलेटेड है, जिसके करंट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। जो IOWave है इसमें मॉक सुनामी वेव्स क्रिएट करी जाएंगी एंड इंडिया में ही 1,25,000 पीपल को इवैक्यूएट किया जाएगा ताकि लोगों को पता चले एंड हमारे इवैक्यूएशन टीम्स को भी पता चले कि इसमें कैसे हमें पार्टिसिपेट करना है। सो इस वाली एक्सरसाइज में हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी, इंडियन नेवी का क्रूशल रोल रहेगा। एंड इंडियन नेवी से बात उठी ही है तो मेरे माइंड में क्लिक करता है, अभी जो एक्सरसाइज गोइंग ऑन चल रही है, एज ऑन डेट जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक एक्सरसाइज चल रही है कैकेडू एक्सरसाइज 2018, जो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट ऑफ डार्विन के पास कंडक्ट कराई जा रही है। इस वीडियो को खत्म होते ही आप नेक्स्ट वीडियो ये जरूर जरूर देखिएगा, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज है टिल डेट। एंड इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात ये भी है कि कैकेडू 18 कब खेला गया था, जो और किसी ने नहीं, हमारे इंडिया ने ही वो जीता है। और अगर आपको इंटरनेशनल एक्सरसाइज काफी इंटरेस्टिंग लगती हो तो नॉलेज मीडिया के पेज पे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस की, जिसमें हमने बात करी हुई है इंडिया थाईलैंड की मैत्री एक्सरसाइज की, या रशिया में जो बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जा रही है वोस्टोक 2018, वो भी हमने डिस्कस करी हुई है, जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा ट्रूप्स इन्वॉल्व है, रियली रियली ह्यूज। एंड मोर ओवर एक और एक्सरसाइज का बहुत रिसेंटली कुछ घंटों पहले अनाउंसमेंट हुआ है, रैपिड ट्राइडेंट मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में, जो नेटो, US एंड यूक्रेन कंडक्ट करेंगे बिफोर दिस वोस्टोक 18। सो अगर आप चाहते हैं, अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा फॉर रैपिड ट्राइडेंट एक्सरसाइज। Guys, keep learning, keep growing. Thank you so much for watching this video. Have a nice day
डेफिनेटली लेट मी नो योर फीडबैक.